रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। लगभग एक महीने पहले वो कोरोना से संक्रमित हुई थी और निमोनिया की शिकायत के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता जी ने निमोनिया को हरा तो दिया, लेकिन उम्र ज्यादा होने के चलते उनके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चलते आज उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्विटर पर लता जी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूँ। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। वहीं पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पोस्ट में लिखा कि लता दीदी के गानों ने कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा है। फिल्मों से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक रहीं। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर वो शख्स दुखी है जिसने लता जी की आवाज को सुना है। पूरा देश आज लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लता जी की खास बात ये थी कि वो आलोचनाओं से परे थी, और यही वजह है कि वो आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए इंडिया पब्लिक खबर को।